लिहाजा नाम में एक छोटी सी सिकम रह गई थी कि ये एमल के बजाय एनिमल वली खान होना चाहिए था। नून की देखिए जी, अगर आइंदा ये इस तरह आज सेनेट के फ्लोर पे उन्होंने उमर अयूब खान के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल की है, इससे पहले मेरे हवाले से उन्होंने जबान इस्तेमाल की, कभी इसको ये नहीं किया था। आज मैं उनको कहना चाहता हूं कि अब आपको पीटीआई की तरफ से जवाब मैं दूंगा और आपकी तसल्ली कराऊंगा कि आप ज्यादा कच्चे में जा सकते हैं या मैं ज्यादा कच्चे में जा सकता हूं। एक जाती राय मेरी है जो जिसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, वो ये है कि मैं ये समझता हूं कि आज जो ये जमीयत उलमाए इस्लाम ने इस आईनी तरमीम की जो हिमायत की है, मैं समझता हूं कि ये आईनी पैकेज लाने से पहले कि इनकी अंडरस्टैंडिंग थी कि हम कहेंगे कि ये काजी फाइजीसा को एक्सटेंशन देंगे और ये तमाम अंडरस्टैंडिंग थी कि फिर आपके मुतालिबा पर ये निकाल दिया, ये निकाल दिया और एन यही होना था। बहरहाल ये कोई असूली मौकफ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत चाहती है, अभी भी हमारी अपोजिशन चैम्बर में मीटिंग हुई है और वो चाहते हैं कि मौलाना साहब की पार्टी के हवाले से कोई बयानबाजी न हो, तो बिलखसूस उन सब ने मुझे कहा, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं अपनी जाती राय जो है हमेशा एक्सप्रेस करता रहूंगा, इस चीज को हम नहीं होने देना चाहते थे और यही चीज उन्होंने कर दी। एक और बात, हमारे 11 दो सेनेटर्स और 9 एमएनएस जो हैं वो इनकी तहवील में हैं, शायद सेनेट में डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से उन सेनेटर्स के वोट को आज उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है और अभी देखते हैं नेशनल असेंबली में क्या कहते हैं। लेकिन एक बात है, ये वो आईनी तरमीम है पाकिस्तान की आईनी और सियासी और जमहूरी तारीख में कि जिसको कामयाब कराने के लिए अरब रुपए की अफर्ज हुई, खवातीन खाना अगवा हुए, धमकियां दी गई, बच्चों को मारा पीटा गया, बनारसी ठग जो है वो नेशनल असेंबली में फॉर्म 47 के जरिए लाए गए हैं। अब ये कहते हैं हम आईनी तरमीम कर रहे हैं, सेनेट पूरी नहीं है, कौमी असेंबली पूरी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में ये डंडे के जोर पे सब कुछ करा रहे हैं। पाकिस्तानी कौम इन सब किरदारों को याद रखे, ये शॉर्ट टर्म में अपने मकासिद तो हासिल कर लेंगे लेकिन लॉन्ग टर्म पे ये इस आईनी तरमीम के जरिए इन्होंने पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की तदफीन कर दी है। सबसे ज्यादा दुख मुझे जाती तौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इन तकारीर और इन मैसेजेस से हुए हैं जिसमें उन्होंने काजी फैज ईसा साहब को इंतहाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खराज तहसीन पेश किया कि ये हमें इंसाफ दिया। क्या इंसाफ दिया? जुल्फकार अली भुट्टो शहीद जो है उसको तो अदालतों ने मार दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या उसको जिंदा कर दिया है? और फिर बेनजीर भुट्टो शहीद साहेबा का बेटा और पाकिस्तान पीपल पार्टी का चेयरपर्सन होते हुए उन्होंने जो आइन साजी के हवाले से जो अपने व्यूज जाहिर किए हैं, 10 साल बाद पाकिस्तान पीपल पार्टी के लिए ये सवालिया निशान रहेंगे कि आपके चेयरपर्सन ने यह कहा था। कम अज कम पीपल पार्टी से यह तवक्को बेशक आप करने जा रहे थे, खामोशी से कर लेते, इसका कोई अकली मंतकी और अखलाकी जवाब नहीं है कि आप सेटिस्फाई करें कि ये तरामीम आप क्यों कर रहे हैं। लिहाजा आज नेशनल असेंबली में अगर ये आईनी तरमीम पास हो जाती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पूरे पाकिस्तानियों को मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पास तमाम कानूनी रास्ते बंद हो जाएंगे, कोई आईनी रास्ता हमारे पास कानूनी रास्ता नहीं है। फिर जो है हमें दीवार से तो पहले ही लगाया जा चुका है, मैं खुद लागिर हूं, नकाहत फील कर रहा हूं, बीमार हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हम इस तमाम प्रोसेस को अंडू सिर्फ और सिर्फ अवामी एहतजाज के जरिए कर सकते हैं। ये जेली आईनी तरमीम जो है और ये तमाम जो आमाले कबीया की ये मुर्तकिब हो रहे हैं, इससे जान छुड़ाने का पिरवाई दल यही होगा कि पूरी कौम सड़कों पे निकले, इस निजाम को टक्कर देके और इसको गिराने के अलावा कोई चारा नहीं है।
और अब तो ये निजाम इस आईनी तरमीम की वजह से अब इन जराइम को प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। तो लिहाजा जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसला करेगी एहतजाज की, और एहतजाज ही वाहिद हल है। इन तमाम गुजारिशात के साथ मैंने अपना माफी ज़मीर आपके सामने बयान किया। कुछ बातें बहसीयत पीटीआई मेंबर नेशनल असेंबली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मैंने की, लेकिन जो जेयूआई के हवाले से बात की या बिलावल साहब के हवाले से या एमल वली खान के हवाले से वो मेरी जात भी आ रहा है। सर, शायद ज्यादा ने कहा है कि पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, और एक बड़ा ही कोई जो है सीनियर जो आपका लीडर है वो हेड करेगा, इस बात में कितनी सदाकत है? इस समय इतनी सर है जितनी आप लोगों को फैसल बावड़ा बनाने की लीडर बनाने की पड़ी है। ये क्या किरदार है, हर वक्त मीडिया पे बैठा होता है और लाभ करते हैं। शर्म आनी चाहिए, कोई किसी की अखलाकियात होती है, कोई एथिक्स होती है, लीड होती है, ऐसे किरदारों को आप लोग मीडिया पे प्रमोट क्यों करते हैं? ये हमारे इसमें कर रही है, कोई बता देना आप में से में कि कोई अखलाकी जवाब है इस शख्स का पीटीआई को चलिए सबके साथ लड़ रहा होता है, किसकी भी आप पे लड़ रहा होगा, कौन सी पार्टी है इसकी? सर, आपकी जो पार्टी में सर वो कला की तादाद बहुत ज्यादा है सर, खसूसी कमेटी बनी उसमें आपकी पार्टी शिरकत भी करती रही, लेकिन सर आप लोगों ने अपना मुसौदा पेश क्यों नहीं किया? आप कोई कॉन्स्टिट्यूशन मुसौदा पेश करते कि हम इसके ऊपर राजी हैं, तो वो पेश करने में नाकाम क्यों रही पीटीआई? ये सारी आईनी तरमीम के पीछे जो वाहिद मुहर्रक था वो ये था कि मंसूर अली शाह और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बेदस्तोपा करना था। तो हम इस प्रोसेस का हिस्सा क्यों बनते हैं? हम तो अदालतों की आजादी के ख्वाब देख रहे हैं। पाकिस्तान में बुनियादी हकूक, आईन की बालादस्ती और जमहूरियत की हुक्मरानी की हमने ख्वाब देखे हैं। पाकिस्तानियों को एक ऐसे मुस्तकबिल से नवाजने का ख्वाब देख रहे हैं जहां अमन हो, जहां बदामनी और टेररिज्म जो है उस पर काबू पाया जा सके। मुल्क के हालात किस जानिब गामजन है, दहशतगर्दी ने केपी को पारा पारा कर दिया है और यहां इनको पड़ी हुई है कि ये मैंडेट की चोरी को रोकने के लिए हमने ये करने है। ये जो आज में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई है, याद रखें एक वक्त ऐसा भी आएगा कि शायद पीपल पार्टी और ऐसे लोग मिलकर फिर अपने ही किए किराए पे पानी पेरने के लिए। 18वीं तरमीम पीपल पार्टी का कारनामा था, आज अपनी ही 18वीं तरमीम को इन्होंने नस्त नाबूद कर दिया। आज जो 98वीं या जो बुनियादी इंसानी हकूक के हवाले से या दलिया की आजादी के हवाले से 18वीं तरमीम के जो फायदे थे वो तमाम उन्होंने आज अंडू किए। सर ये बताइएगा, दो सवाल है मेरे। एक तो ये कि आपने कहा कि हम सड़कों पे निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, गुज़िश्ता 2-3 एहतजाज आपके हुए जो फलाप गए, अली अमीन गंडापुर साहब भी एक दफा कोई 10-15 कोई 12 इंजलाब पार करके पिशावर चले गए। दूसरी चीज ये है कि ये जो अमेंडमेंट्स हो रही हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसे आप पीटीआई क्राइसिस कह रही है, इसके जिम्मेदार पीटीआई खुद नहीं है, क्योंकि जब वो खुद गवर्नमेंट में थे तो पीटीआई की जानब से जो उस वक्त तरामीम होती थी, वहां जो कानून पास होते थे वो भी किसी के कहने पे होते थे, और उस वक्त भी पार्लियामान को हरासा किया जाता था। बुनियादी तौर पर मैं एक वकील हूं, अगर पीटीआई के दौर में भी बुनियादी इंसानी हकूक या रूल्स को बलायताक रखते हुए कोई अफआल हुए हैं, मैं उनको डिफेंड नहीं करता हूं। हर दौर में जिस दौर में भी जो भी गलत काम हो उसको कंडेम किया जाना चाहिए। हमारी बुनियादी तरजीह जो है वो पाकिस्तान के अवाम होने चाहिए। कहां ये शॉर्ट टर्म अपने आप मकासद के असूल के लिए ये इस तरह के पैकेजेस लाते हैं। और दूसरी जो बात आपने की ना एहतजाज के हवाले से, एक बात सबको मैं वादे कर दूं, मुझ पर भी तनकीद होती है कि एहतजाज में आप नहीं आए, आइंदा के लिए भी ये चीज मैं सेट कर दूं, अगर एहतजाज की जिम्मेदारी मुझे सौंपते हैं, मैं जानू और मेरा काम, इस तरह का एहतजाज जिसमें न मुझे रजू किया जाता है, न मुझे शामिल किया जाता है, न किसी कमेटी का मिंबर बनाया जाता है, ऐसे एहतजाजों में मैं आने वाला नहीं हूं। अगर मुझे तफवीज करते हैं और ये दूध का दूध पानी का पानी 10-15 दिनों में पता लग जाएगा कि हम एहतजाज किस तरह कर सकते हैं। लेकिन और ये खान साहब को मैंने तजवीज भी दी थी, तो खान साहब ने जवाब में कहा था कि लीडरशिप कह रही है कि आप खुद क्रेडिट लेने के चक्कर में साथ में किसी को मिलाते नहीं है। वो किस तरह नहीं मिलाता हूं, 9 मई के बाद तो कोई था नहीं जो मेरे साथ शामिल हो जाता। सरपटम ने घोड़ा अकेले ही दौड़ाया, और क्रेडिट सबके लिए हाजिर है ना, आए सब मार खाए मिलके, तो जो मार खाएगा उसको क्रेडिट मिलेगा। सर, इमरान खान की रिहाई मुश्किल होती नजर आ रही है आपको इस तरह के बाद? मैं
ये समझ रहा हूं कि अब हमारे मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और तमाम मसाइल को इकट्ठे चैलेंज के बजाय सबसे पहला चैलेंज हमारा होना चाहिए फ्री खान नाउ। पहले खान की रिहाई हो, इसके बाद खान जब बाहर आ जाए, और इसके लिए हमारे पास और अदलिया तो मजीद कंप्रोमाइज हो जाएगी। खान की रिहाई की तवक्को तो हमारी अदलिया से है ना, आईनी तौर पर। तो लिहाजा और खान तभी रिहा होगा जब कम अज कम 2 लाख पाकिस्तानी मेरे साथ डी चौक में बैठेंगे। और ये इसको बड़बोले की बात ना समझे, 9 मई के बाद भी कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि पीटीआई का एजेंडा जो है कोई लहरा सकता है। लाखों लोग मेरे साथ निकलेंगे भी, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह करे कि हमारा कंसेंसस डेवलप हो। हमें ये करना चाहिए था, 6 माह शायद हमने जाये कर दी है। एहतजाज हल है और एहतजाज के लिए एहतजाज कमेटी बननी चाहिए। ये हमारे पार्टी के अंदरूनी मसले मसाइल हैं और खान को मैंने तजावीज दी थी, उन्होंने मेरे साथ कमिटमेंट की थी कि हम इस तरह करेंगे, लेकिन बाद में शायद कुछ हजरात को ये आइडिया पसंद नहीं थे, तो इस वजह से जो है उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। सर, जैसे अली अमीन डंडापुर साहब डी चौक से चले गए थे कारखान को छोड़ के, तो क्या समझते हैं कि 2 लाख लोग निकलेंगे आपके साथ? मेरा ख्याल है अली अमीन खान के चलने के हवाले से या डी चौक में, एक अली अमीन खान तो नहीं है ना पीटीआई में, 1 करोड़ लोग हैं। अगर वो अंडर रेड आ गया था, उस पर चापा लग गया था, तो हजारों लीडर्स हैं, एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, मरकजी का तंजीम है, तो इनको चाहिए था ना कि जाते और इसको टेक ओवर करते। एक अली अमीन पे क्या इल्जाम धर रहे हैं? और लोग जो है मर तो नहीं गए थे, उनका काम था ना कि जाके बैठ जाते। अगर ये लीडरशिप बैठी होती, 70,000 लोग आए थे डी चौक पे, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमने जाये कर दी और उन बेचारों ने मार खाई। जहां तक बात है, बिल्कुल वर्कर और क्यादत के बीच एतमाद का फुकदान पैदा हुआ है और इस एतमाद के फुकदान को रिमूव करने के लिए जरूरी है कि जब आइंदा एजिटेशन या एहतजाज की काल हो तो कुछ इस अंदाज में हो कि वर्कर ये यकीन रखे कि अगर हम मार खाएंगे तो लीडर भी साथ में खाएंगे। और इंशाल्लाह अगर आइंदा एहतजाज होता है और मुझे इसमें जिम्मेदारी दी जाती है, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि मैं वर्कर को अकेला छोड़ूं। जब तक होंगे साथ में होंगे और इकट्ठे होंगे। सर, आपके बहुत सारे लीडर्स तो ऐसे भी हैं जो 15-20 कारकुनान को इकट्ठे करके वीडियो पैगाम जारी कर देते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन वो हम आपको देखना चाह रही है, आप कब निकल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं ना, 6 माह जाये हो गए। मैं तो कह रहा हूं ना कि मुझे जिम्मेदारी दे, लेकिन मुझे नहीं दी जा रही है, मुझे तो साइडलाइन किया गया है। ये जो इतने एहतजाज हुए सिवाय इस्लामाबाद के जलसे के, किसी एहतजाज में न मुझे किसी ने दावत दी, न किसी कमेटी में डाला, न किसी ने बुलाया, न किसी ने कहा। 1 माह बीमार रहा, किसी ने बीमार पुरसी तक नहीं की। तो लिहाजा मैं अब अपने तई खुद ही लीडर बन के कहूं कि नहीं, पीटीआई पे मैं अब एक लीडर आ गया और मैं खुद एहतजाज की काल दे रहा हूं। ये खान का फैसला होना चाहिए और खान को यह फैसला करना चाहिए और अली अमीन खान को इस एहतजाज से अलहदा किया जाना चाहिए। अली अमीन खान वजीर आला हैं, नून वाले जो हैं गर्दान करते रहते हैं, सुबह जो है मरकज पे चढ़ दौड़ा, इल्जाम तराशी अली अमीन खान पे होती हैं। और ये इस हद तक बात दुरुस्त है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन मनसब पे फाइज हैं, एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। आप क्यों ये जवाब नून को फराहम कर रहे हैं? हम लोग हैं ना इस एहतजाज को करने के लिए, और अली अमीन खान ये 4 एहतजाज या 5 एहतजाज उन्होंने किए, और अगर वो ना होता तो शायद मैं तो, मुझे तो नजर आ रहा था कि ये एहतजाज भी ना हो पाते। तो लिहाजा अली अमीन खान, मैं ये समझता हूं कि उसको सुबह संभालने दिया जाए, ये एहतजाज का काम उनको तफीज होना चाहिए जिनका काम है। तो लिहाजा नाम में एक छोटी सी सिकम रह गई थी कि ये एमल के बजाय एनिमल वली खान होना चाहिए था नून की। देखिए, अगर आइंदा ये इस तरह आज सेनेट के फ्लोर पे उन्होंने उमर अयूब खान के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल की है, इससे पहले मेरे हवाले से उन्होंने जबान इस्तेमाल की, कभी इसको ये नहीं किया था। आज मैं उनको कहना चाहता हूं कि अब आपको पीटीआई की तरफ से जवाब मैं दूंगा और आपकी तसल्ली कराऊंगा कि आप ज्यादा कच्चे में जा सकते हैं या मैं ज्यादा कच्चे में जा सकता हूं। एक जाती राय मेरी है जो जिसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, वो ये हैं कि मैं ये समझता हूं कि आज जो ये
जमीयत उलमाए इस्लाम ने इस आईनी तरमीम की जो हिमायत की है, मैं समझता हूं कि ये आईनी पैकेज लाने से पहले की इनकी अंडरस्टैंडिंग थी कि हम कहेंगे कि ये काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन देंगे, और ये तमाम अंडरस्टैंडिंग दी कि फिर आपके मुतालिब और पे ये निकाल दिया और एन यही होना था। बहरहाल ये कोई असूली मौकफ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत चाहती है, अभी भी हमारी अपोजिशन चैम्बर में मीटिंग हुई है और वो चाहते हैं कि मौलाना साहब की पार्टी के हवाले से कोई बयानबाजी ना हो। तो बिलखसूस उन सब ने मुझे कहा, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं अपनी जाती राय जो है हमेशा एक्सप्रेस करता रहूंगा, इस चीज को हम नहीं होने देना चाहते थे और यही चीज उन्होंने कर दी। एक और बात, हमारे 11 दो सेनेटर्स और 9 एमएनएस जो हैं वो इनकी तहवील में हैं। शायद सेनेट में डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से उन सेनेटर्स के वोट को आज उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है, और अभी देखते हैं नेशनल असेंबली में क्या कहते हैं। लेकिन एक बात है, ये वो आईनी तरमीम है पाकिस्तान की आईनी और सियासी और जमहूरी तारीख में कि जिसको कामयाब कराने के लिए अरब रुपए की अफर्ज हुई, खवातीन खाना अगवा हुए, धमकियां दी गई, बच्चों को मारा पीटा गया, बनारसी ठग जो है वो नेशनल असेंबली में फॉर्म 47 के जरिए लाए गए हैं। अब ये कहते हैं हम आईनी तरमीम कर रहे हैं, सेनेट पूरी नहीं है, कौमी असेंबली पूरी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में ये डंडे के जोर पर सब कुछ करा रहे हैं। पाकिस्तानी कौम इन सब किरदारों को याद रखे, ये शॉर्ट टर्म में अपने मकसद से तो हासिल कर लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म पे ये इस आईनी तरमीम के जरिए इन्होंने पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की तदफीन कर दी है। सबसे ज्यादा दुख मुझे जाती तौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इन तकारीर और इन मैसेजेस से हुए हैं, जिसमें उन्होंने काजी फाइज ईसा साहब को इंतहाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खराज तहसीन पेश किया कि ये हमें इंसाफ दिया। क्या इंसाफ दिया? जुल्फकार अली भुट्टो शहीद जो है उसको तो अदालतों ने मार दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या उसको जिंदा कर दिया है? और फिर बेनजीर भुट्टो शहीद साहेबा का बेटा और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का चेयरपर्सन होते हुए उन्होंने जो आइन साजी के हवाले से जो अपने व्यूज जाहिर किए हैं, 10 साल बाद पाकिस्तान पीपल पार्टी के लिए ये सवालिया निशान रहेंगे कि आपके चेयरपर्सन ने यह कहा था। कम से कम पीपल पार्टी से यह तवक्को बेशक आप करने जा रहे थे, खामोशी से कर लेते, इसका कोई अकली मंतकी और अखलाकी जवाब नहीं है कि आप सेटिस्फाई करें कि यह तरामीम आप क्यों कर रहे हैं। लिहाजा आज नेशनल असेंबली में अगर ये आईनी तरमीम पास हो जाती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पूरे पाकिस्तानियों को मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पास तमाम कानूनी रास्ते बंद हो जाएंगे, कोई आईनी रास्ता हमारे पास कानूनी रास्ता नहीं है। फिर जो है हमें दीवार से तो पहले ही लगाया जा चुका है, मैं खुद लागिर हूं, नकाहत फील कर रहा हूं, बीमार हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हम इस तमाम प्रोसेस को अंडू सिर्फ और सिर्फ अवामी एहतजाज के जरिए कर सकते हैं। ये जेली आईनी तरमीम जो है और ये तमाम जो आमाले कबीया की ये मुर्तकिब हो रहे हैं, इससे जान छुड़ाने का पिरवाई दल यही होगा कि पूरी कौम सड़कों पे निकले, इस निजाम को टक्कर देके और इसको गिराने के अलावा कोई चारा नहीं। और अब तो ये निजाम इस आईनी तरमीम की वजह से अब इन जराइम को प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। तो लिहाजा जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसला करेगी एहतजाज की, और एहतजाज ही वाहिद हल है, इन तमाम गुजारिशात के साथ मैंने अपना माफी ज़मीर आपके सामने बयान किया। कुछ बातें बहसीयत पीटीआई मेंबर नेशनल असेंबली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मैंने की, लेकिन जो जेयूआई के हवाले से बात की या बिलावल साहब के हवाले से या एमल वली खान के हवाले से, वो मेरी जात भी आ रहा है। सर, सर, ने कहा है कि पीटीआई भी कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, और एक बड़ा ही कोई जो है सीनियर जो आपका लीडर है वो हेड करेगा, इस बात में कितनी सदाकत है? इसमें इतनी सर है,
जितनी आप लोगों को फैसल बावड़ा बनाने की लीडर बनाने की पड़ी है। ये क्या किरदार है, हर वक्त मीडिया पे बैठा होता है और लाभ करते हैं। शर्म आनी चाहिए, कोई किसी की अखलाकियात होती है, कोई एथिक्स होती है, ऐसे किरदारों को आप लोग मीडिया पे प्रमोट क्यों करते हैं? ये हमारे इसमें कर रहे हैं, कोई बता देना आप में से में कि कोई अखलाकी जवाब है इस शख्स का पीटीआई को चलिए सबके साथ लड़ रहा होता है, किसकी भी आप पे लड़ रहा होगा, कौन सी पार्टी है इसकी? सर आपके जो पार्टी में सर वो कला की तादाद बहुत ज्यादा है सर, खसूसी कमेटी बनी उसमें आपकी पार्टी शिरकत भी करती रही, लेकिन सर आप लोगों ने अपना मुसौदा पेश क्यों नहीं किया? आप कोई कॉन्स्टिट्यूशन मुसौदा पेश करते कि हम इसके ऊपर राजी हैं तो वो पेश करने में नाकाम क्यों रही पीटीआई? ये सारी आईनी तरमीम के पीछे जो वाहिद मुहर्रक था वो ये था कि मंसूर अली शाह और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बेदस्तोपा करना था, तो हम इस प्रोसेस का हिस्सा क्यों बनते हैं? हम तो अदालतों की आजादी के ख्वाब देख रहे हैं, पाकिस्तान में बुनियादी हकूक आईन की बालादस्ती और जमहूरियत की हुक्मरानी की हमने ख्वाब देखे हैं, पाकिस्तानियों को एक ऐसे मुस्तकबिल से नवाजने का ख्वाब देख रहे हैं जहां अमन हो, जहां बदामनी और टेररिज्म जो है उस पर काबू पाया जा सके, मुल्क के हालात किस जानिब गामजन है, दहशतगर्दी ने केपी को पारा पारा कर दिया है और यहां इनको पड़ी हुई है कि ये मैंडेट की चोरी को रोकने के लिए हमने ये करने हैं। ये जो आज में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है, याद रखें एक वक्त ऐसा भी आएगा कि शायद पीपल पार्टी और ऐसे लोग मिलकर फिर अपने ही किए किराए पे पानी फेरने के लिए, 18वीं तरमीम पीपल पार्टी का कारनामा था, आज अपनी ही 18वीं तरमीम को इन्होंने नस्तो नाबूद कर दिया। आज जो 98वीं या जो बुनियादी इंसानी हकूक के हवाले से या दलिया की आजादी के हवाले से 18वीं तरमीम के जो फायदे थे वो तमाम उन्होंने आज अंडू किए। सर ये बताइएगा, दो सवाल है मेरे। एक तो ये कि आपने कहा कि हम सड़कों पे निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, गुज़िश्ता 2-3 एहतजाज आपके हुए जो फलाप गए, अली मीन गंडापुर साहब भी एक दफा कोई 10-15 कोई 12 जलाब पार करके पिशावर चले गए। दूसरी चीज ये है कि ये जो अमेंडमेंट्स हो रही हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसे आप पीटीआई क्राइसिस कह रही है, इसके जिम्मेदार पीटीआई खुद नहीं है, क्योंकि जब वो खुद गवर्नमेंट में थे तो पीटीआई की जानब से जो उस वक्त तरामीम होती थी, वहां जो कानून पास होते थे वो भी किसी के कहने पे होते थे और उस वक्त भी पार्लियामान को हरासा किया जाता था। बुनियादी तौर पर मैं एक वकील हूं, अगर पीटीआई के दौर में भी बुनियादी इंसानी हकूक या रूल्स को बलायताक रखते हुए कोई अफआल हुए हैं, मैं उनको डिफेंड नहीं करता हूं। हर दौर में, जिस दौर में भी जो भी गलत काम हो उसको कंडेम किया जाना चाहिए। हमारी बुनियादी तरजीह जो है वो पाकिस्तान के अवाम होने चाहिए। कहां ये शॉर्ट टर्म अपने आप मकासिद के असूल के लिए ये इस तरह के पैकेजेस लाते हैं। और दूसरी जो बात आपने की ना एहतजाज के हवाले से, एक बात सबको मैं वादे कर दूं, मुझ पर भी तनकीद होती है कि एहतजाज में आप नहीं आए, आइंदा के लिए भी ये चीज मैं सेट कर दूं, अगर एहतजाज की जिम्मेदारी मुझे सौंपते हैं, मैं जानूं और मेरा काम, इस तरह का एहतजाज जिसमें न मुझसे रजू किया जाता है, न मुझे शामिल किया जाता है, न किसी कमेटी का मेंबर बनाया जाता है, ऐसे एहतजाजों में मैं आने वाला नहीं हूं। अगर मुझे तफवीज करते हैं और ये दूध का दूध पानी का पानी 10-15 दिनों में पता लग जाएगा कि हम एहतजाज किस तरह कर सकते हैं। लेकिन और ये खान साहब को मैंने तजवीज भी दी थी तो खान साहब ने जवाब में कहा था कि लीडरशिप कह रही है कि आप खुद क्रेडिट लेने के चक्कर में साथ में किसी को मिलाते नहीं है। वो किस तरह नहीं मिलाता हूं, 9 मई के बाद तो कोई था नहीं जो मेरे साथ शामिल हो जाता। सर पटम ने घोड़ा अकेले ही दौड़ाया और क्रेडिट सबके लिए हाजिर है ना, आए सब मार खाए मिलके, तो जो मार खाएगा उसको क्रेडिट मिलेगा। मैं ये समझ रहा हूं कि अब हमारे मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और तमाम मसाइल को इकट्ठे चैलेंज के बजाय सबसे पहला चैलेंज हमारा होना चाहिए फ्री खान नाउ, पहले खान की रिहाई हो, इसके बाद खान जब बाहर आ जाए, और इसके लिए हमारे पास और अदलिया तो अब मजीद कंप्रोमाइज हो जाएगी। खान की रिहाई की तवक्को तो हमारी अदलिया से है ना, आईनी तौर पर, तो लिहाजा और खान तभी रिहा होगा जब कम से कम 2 लाख पाकिस्तानी मेरे साथ डी चौक में बैठेंगे। और ये इसको बड़बोले की बात ना समझे, 9 मई के बाद भी कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि पीटीआई का एजेंडा जो है कोई लहरा सकता है। लाखों लोग मेरे साथ निकलेंगे भी, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह करे कि हमारा कंसेंसस डेवलप हो,
हमें ये करना चाहिए था, 6 माह शायद हमने जय कर दिए। एहतजाज हल है और एहतजाज के लिए एहतजाज कमेटी बननी चाहिए। ये हमारे पार्टी के अंदरूनी मसले मसाइल हैं और खान को मैंने तजावीज दी थी, उन्होंने मेरे साथ कमिटमेंट की थी कि हम इस तरह करेंगे, लेकिन बाद में शायद कुछ हजरात को ये आइडिया पसंद नहीं थे तो इस वजह से जो है उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। सर, जैसे अली अमीन डंडापुर साहब डी चौक से चले गए थे कारखान को छोड़ के, तो क्या समझते हैं कि 2 लाख लोग निकलेंगे आपके साथ? मेरा ख्याल है अली अमीन खान के चलने के हवाले से या डी चौक में, एक अली अमीन खान तो नहीं है ना पीटीआई में, 1 करोड़ लोग हैं। अगर वो अंडर रेड आ गया था, उस पर चापा लग गया था, तो हजारों लीडर्स हैं, एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, मरकजी का तंजीम है, तो इनको चाहिए था ना कि जाते और इसको टेक ओवर करते। एक अली अमीन पे क्या इल्जाम धर रहे हैं? और लोग जो है मर तो नहीं गए थे, उनका काम था ना कि जाके बैठ जाते। अगर ये लीडरशिप बैठी होती, 70,000 लोग आए थे डी चौक पे, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमने जाये कर दी और उन बेचारों ने मार खाई। और जहां तक बात है, बिल्कुल वर्कर और क्यादत के बीच एतमाद का फुकदान पैदा हुआ है और इस एतमाद के फुकदान को रिमूव करने के लिए जरूरी है कि जब आइंदा एजिटेशन या एहतजाज की काल हो तो कुछ इस अंदाज में हो कि वर्कर ये यकीन रखे कि अगर हम मार खाएंगे तो लीडर भी साथ में खाएंगे। और इंशाल्लाह अगर आइंदा एहतजाज होता है और मुझे इसमें जिम्मेदारी दी जाती है तो ये मुमकिन ही नहीं है कि मैं वर्कर को अकेला छोड़ूं। जब तक होंगे साथ में होंगे और इकट्ठे होंगे। सर, आपके बहुत सारे लीडर्स तो ऐसे भी हैं जो 15-20 कारकुनान को इकट्ठे करके वीडियो पैगाम जारी कर देते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन होम आपको देखना चाह रही है, आप कब निकल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं ना, 6 माह जाए हो गए। मैं तो कह रहा हूं ना कि मुझे जिम्मेदारी दे, लेकिन मुझे नहीं दी जा रही है, मुझे तो साइडलाइन किया गया है। ये जो इतने एहतजाज हुए सिवाय इस्लामाबाद के जलसे के, किसी एहतजाज में न मुझे किसी ने दावत दी, न किसी कमेटी में डाला, न किसी ने बुलाया, न किसी ने कहा। 1 माह बीमार रहा, किसी ने बीमार पुर्सी तक नहीं की। तो लिहाजा मैं अब अपने तई खुद ही लीडर बन के कहूं कि नहीं, पीटीआई पे मैं अब एक लीडर आ गया और मैं खुद एहतजाज की काल दे रहा हूं। ये खान का फैसला होना चाहिए और खान को यह फैसला करना चाहिए और अली अमीन खान को इस एहतजाज से अलहदा किया जाना चाहिए। अली अमीन खान वजीर आला है, नून वाले जो हैं गर्दान करते रहते हैं, सुबह जो है मरकज पे चढ़ दौड़ा, इल्जाम तराशी अली अमीन खान पे होती हैं और ये इस हद तक बात दुरुस्त है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन मनसब पे फाइज है, एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, चीफ मिनिस्टर है। आप क्यों ये जवाब नून को फराहम कर रहे हैं? हम लोग हैं ना इस एहतजाज को करने के लिए। और अली अमीन खान ये 4 एहतजाज या 5 एहतजाज उन्होंने किए और अगर वो ना होता तो शायद मुझे तो नजर आ रहा था कि ये एहतजाज भी ना हो पाते। तो लिहाजा अली अमीन खान, मैं ये समझता हूं कि उसको सूबा संभालने दिया जाए, ये एहतजाज का काम उनको तफवीज होना चाहिए जिनका काम है।